आप सभी को शुभ संध्या। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सप्रेम नमस्कार करते हैं। आप सभी को मालूम होगा, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे भारत के हो चाहे विदेश के हो, सभी लोगों को संगीत बहुत पसंद है और संगीत लोगों को एकता में बांध देता है। और ये बंधन और भी मजबूत तब हो जाता है जब यीशु मसीह इस बंधन में बन जाते हैं। आज की शाम उस बंधन को और भी ताकत देने के लिए प्रादेशिक गीतों से, सेमी क्लासिकल गीतों से के माध्यम और भी हम मजबूत बनाते हैं। आज की शाम पेश है फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा आयोजित महफिल ए मसीहा 2018। गौर फरमाइएगा, हमें बचाने के लिए यीशु ने भेजा मसीहा, हमें बचाने के लिए यीशु ने भेजा मसीहा। आज उसी मसीहा को धन्यवाद करेगा महफिल ए मसीहा। ये मेरे कथन नहीं है, ये हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट के नेपाल से जो भाई है उमेश, उन्होंने लिखा है ये। तो हमारे बीच में अलग अलग स्थानों से लोग हैं, हमारे बीच में नेपाल से लोग हैं, भूटान से हैं, बर्मा से हैं, नाइजीरिया, अफ्रीका कंट्रीज से बहुत सारे लोग हमारे मध्य में हैं, यूएसए से लोग हैं, कनाडा से लोग हैं, यूके से लोग हैं हमारे मध्य में। आप सभी का यीशु मसीह के नाम में हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे खास लोग जो अलग अलग चर्चों से आए हैं, उनका हम सादर आमंत्रण करते हैं। और फैमिलीज हैं हमारे बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम उन सभी को स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आए लोग हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हम फैमिलीज, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग आए हैं इस प्रोग्राम के लिए, उन सभी को हम वेलकम करते हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि हम लोग कितने खुश हैं इतनी बड़ी भीड़ देखकर, इतने सारे लोगों को देखकर, क्योंकि ये शाम आपके लिए है, ताकि जो हमने बहुत दिनों से बहुत रियाज करके प्लान करके बनाई है, ताकि हम सब लोग एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। हमारे फैकल्टी, फैमिली और हमारे प्रधानाचार्य फिनिसर के नेतृत्व में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है, उसके लिए परमेश्वर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको याद दिला दूं कि ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स देखना चाहते हो या आना चाहते हो यहाँ पे और ना आ पाए, आप उन्हें एसएमएस कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं कि fbcudaipur.com में अगर आप लॉग इन करेंगे, आप सीधे उस वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे आप लाइव देख सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं इसके बारे में। हम अपने फ्रेंड्स के साथ साथ इस इवनिंग का जो इवनिंग में हम परमेश्वर को धन्यवाद जब देंगे, हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। मैं धन्यवाद और मोस्ट लविंग हेवनली फादर, थैंक यू लॉर्ड टू मेक योर प्रेजेंस इन दिस प्लेस लॉर्ड, एंड थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड लॉर्ड दिस इवनिंग लॉर्ड वी आस्क लॉर्ड योर प्रेजेंस लॉर्ड टू फिल ईच वन ऑफ अस लॉर्ड, एंड थैंक यू लॉर्ड the students who are going to perform tonight, Lord, you give them, Lord, your special grace, anoint them, Lord. And thank you, Lord, for Philadelphia Bible College. And thank you, Lord, for the Philadelphia Bible College faculty members. And thank you, Lord, for the representation, Lord, from the city, Lord, other churches and friends, Lord, from other countries, Lord, visiting us tonight, Lord. You bless each one of them, Lord. Your word says, sing unto the Lord a new song. And encourage one another with psalms and hymns and spiritual songs. Thank you, Lord. Tonight, Lord, we can lift up your name through singing and praising, Lord. And thank you, Lord, for the people, those who are watching us online tonight, Lord. You bless them, Lord. Even, Lord, you fill them, Lord, with your presence. And thank you, Lord, this evening, Lord, your presence is going to fill in this place. And fill, Lord, each one of us, Lord. Because, Lord, your presence will change our inside and our outside. And your presence will transform us, Lord. Thank you, Lord, for your strong presence in this place, Lord. Tonight, Lord, we commit, Lord, each and every program going to take place in this place, Lord. And we ask, Lord, your blessings upon the entire program from the beginning to the end.
लिख सके और मेरे तो रोंगटे में पुट पुट खड़े हो गए थे जब मैं ये गीत सुन रहा था. धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए. और उत्तर से अपन तक्षशिला की तरफ चलते हैं. तक्षशिला एक प्रांत है जिसको बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री. यहाँ पे बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, गीत लिखते हैं. और अब मैं आमंत्रित करता हूँ सेमी क्लासिकल गीत के लिए मलयालम में. टीम मेंबर्स हैं एबिन, फेबिन, सचिन, सिंटो और आलोश. इस गीत का मतलब यही है कि हर एक स्थान में, हर एक सृष्टि में हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं. हर एक सृष्टि परमेश्वर को महिमा करती है. आइए इस गीत को सुनते हैं. Thank you.
Thank you so much. मेरे जो left side में सबसे पीछे हैं bass guitar वो है नंदू और मेरे पीछे जो हैं keys में वो है Steven और मेरे right side में भाई Bibin जो acoustic में हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं इस गीत के द्वारा गीतकार ये बता रहा था कि इस पूरे भूमंडल में पूरे पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह का जैसा हो और हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जो इस ब्रह्मांड में अतुल्य है उसके समान कोई भी नहीं है और मैं आपको याद दिला दूं कि जब ये परमेश्वर हमारा जिसके आराधना करते हैं जब हमारे दिल में आता है हमारे जीवन में आता है तो हमें दीवाना कर देता है क्योंकि हम उसके ख्यालों में होते हैं और वो हमें दीवाना कर देता है आप किसके ख्यालों में आपके ख्यालों में कौन है यीशु को लाइए और बदला देगी We want to welcome our next team to present their song, which reminds us that when Jesus comes in our lives, He fills us with His love, and we become crazy for Him. Let's welcome Pooja, Namrata, Jali, Aarti, Rinki, and Diksha with their singing classical song, Masi Mere Khayalon Mein.
धन्यवाद टीम हमें याद दिलाने के लिए कि जब मसीह हमारे जीवन में आता है हम कैसे दीवाने हो जाते हैं उसके। हमने उर्दू गजल सुनी, हमने हिंदी गीत सुना, हमने मलयालम भी गीत सुना। क्या ऐसा हो सकता है कि महफिल हो और वो भी झीलों की नगरी उदयपुर में और राजस्थान की ना हो? हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये नाइंसाफी होगी और ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। और हम राजस्थानी गीत सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ सेमी क्लासिकल लोक संगीत के साथ आते हैं भाई विमल, वैभव, विकेश, सुरेश, राकेश, आशीष और दिलीप। और इस गाने की खास बात यह है कि इस गाने में आठ इंस्ट्रूमेंट या आठ वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं। जो मेरे सबसे राइट में है भाई, इनका नाम दिलीप है, वो उनके हाथ में है जो वाद्य यंत्र, उसका नाम है पपंग। उसके बाद भाई आशीष है, उनके हाथ में है करताल। और पीछे भाई जो है समीर, उनके हाथ में है टफली। और हारमोनियम रहेगा, ढोलक रहेगा, बेस गिटार, कीबोर्ड और एकॉस्टिक रहेगा। आनंद लीजिए इस गाने का। धमाल मचाने के लिए आ गए हैं राजस्थानी भाइयों।
यू सो मच पधारो हमारे देश. कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, या जो मेरा जो जीवन है देश के समान है मेरे जीवन में आए. तो ये गीतकार ये बता रहे थे कि हमें यीशु मसीह को अपने घरों में अपने दिलों में न्योता देना है या इनवाइट करना है. The songwriter reminds us that we need to invite Jesus in our life. Because Jesus is a gentleman. He will not force himself on anybody. So we need to invite Jesus in our life. And the moment he comes in our life, he will change us. आप लोग जानते ही होंगे कि संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है. इसमें रियाज करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और ताल होते हैं, राग होते हैं, और ये एक दिन में सीखा नहीं जा सकता. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन बच्चों के लिए जिन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है और परमेश्वर की महिमा से महिमा इनके द्वारा हो रही है. आगे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल में ग्रेस मैडम होगी सितार में, सितार में, और भाई जायसन होंगे हारमोनियम में, और भाई फिलिप जॉय तबला में होंगे. आपको मैं ये बता दूं कि संगीत ही एक ऐसा चीज है जो पृथ्वी पर नहीं बनाया गया था. म्यूजिक इज द ओनली थिंग विच वॉज नेवर मेड ऑन अर्थ. और आप सोच रहे होंगे तो कि कहां से आया. निश्चय ईश्वर से आया और परमेश्वर ने बनाया इसे. और संगीत का पर्पस क्या है. What is the purpose of music? The purpose of music is only one, and that is to worship. संगीत का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है आराधना. तो हम संगीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं. जो परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदान दिए हैं उसको लेकर आइए हम सुनते हैं एक इंस्ट्रूमेंटल आगे. Thank you.
बहुत-बहुत धन्यवाद ग्रेस दीदी. ऐसा कहा जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वो अपने आप ही एक दूसरे से बात करती है. चाहे इसमें कोई शब्द नहीं थे मगर परमेश्वर की आराधना उससे भी हो रही थी. और मेरे को लगता है सबसे ज्यादा आनंद दे रही है, सबसे ज्यादा मजा जो ले रहे थे वो अपने जॉय मनु सर थे, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे सितार बजा रही थी. अगर आप लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, यहाँ पे बता दूं ग्रेस दिली उनकी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की बेटी है और वो कनाडा में रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं. हम आगे चलते हैं. कोई भी महफिल कव्वाली के बगैर अधूरी है. कव्वाली के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको. भारत के जो पोएट थे अमीर खुसरो साहब, कहा जाता है कि उन्होंने कव्वाली की शुरुआत करी थी 1200-1300 ईस्वी के बीच. कव्वाली खास तौर से जो मर्द लोग हैं वो लोग गाते हैं, खास तौर से महफिलों में गाते हैं मर्द. मगर आज की कव्वाली की खास बात यह है कि बहनें लोग गाएंगी ये कव्वाली. और इस कव्वाली के टीम मेंबर्स हैं पूजा, नम्रता, जाली, आरती, रिंकी और दीक्षा. एंड दिस सॉन्ग इज अबाउट जीसस क्राइस्ट दैट ही हैज चेंज्ड माय लाइफ एंड आई विल फॉलो हिम एंड आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट हिम. लेट्स लिसन दिस कव्वाली From this team. प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम में सभी को सलाम. Thank you.
पता कि मसीह ने आपको क्या बनाया है, मगर इस बात का मेरे को पूरा विश्वास है मसीह ने इन सब बच्चियों को तो दीवाना बना दिया है अपने प्रेम से। क्या आप इस मसीह को अपने जीवन में न्योता देना चाहते हैं, दीवानापन देखना चाहते हैं अपने जीवन में? तो एक बार चक्कर देख, जैसे वो लोग कह रहे थे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के देख और देख कैसे मसीहा आपको बदल देता है। चाहे भारत में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे नेपाल में हो, यीशु मसीह हर जगह लोगों का जीवन बदलता है और उन्हें दीवाना कर देता है। आने वाली जो टीम है वो नेपाल से है और ये एक गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। इस गीत का पृष्ठभूमि ऐसा है कि बहुत साल पहले बहुत सारे लोग नेपाल से भूटान गए, मगर वहां का संस्कृति को नहीं अपनाने ना अपनाने पाए और उनको वहां से भगा दिया गया और वो वापस नेपाल के बॉर्डर में आके बसने लगे। करीब 35,000 लोग थे और इनके पास कुछ भी नहीं था और उस समय उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, पानी दिया और उनके जीवन को बदला। इस गाने का सारांश यही है कि परमेश्वर हमें संभालता है। The gist of this song is that God is the one who provides. He is the one who protects. Let me present before you a Nepali song. Bye.
यीशु ने हम सब को छू के बदल दिया है, इसलिए हम उसको जलाल देते हैं। जितनों ने यीशु को विश्वास से छुआ और जितनों को यीशु ने छुआ, उन सब के जीवन में बदलाव आया, उनका जीवन बदल गया। अब हम इस महफिल के अंतिम गाने में आ गए हैं और आप सोच रहे होंगे, अरे अभी भी तो शुरू हुआ था। जब आप किसी गाने से प्रेम करने लगते हैं या आपको छूने लगता है तो समय कैसे निकल जाता है, ना आपको ना हमें पता चलता है। ये तो एक संगीत की दावत थी और संगीत की दावत में पंजाबी तड़का ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पंजाबी गाने के लिए मैं इस टीम को आमंत्रित करता हूं, जो है हरजीत, इस्माइल, विजय, जॉर्ज, टाइटस और डेविड। इस्माइल का मैं नीचे करना चाहता हूँ। Super!
amazing evening you have come to the end of this Mehfil-E-Masiha. Did you enjoy it? Yes! Can we give a round of applause to Jesus Christ? Because of whom we are here and worshiping Him. Amen. That was a power-punching and a perfect icing on the cake. And it's all about Jesus. It's not about anybody else. If Jesus would not have been in our life, we would have not come here like this. मैं आप सभी को बता दूं ये सब इश्यू के वजह से है. और मैं आप सबको खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि ये सारे ट्रेन्ड म्यूजिशियंस नहीं हैं जो कोई ट्रेनिंग लेकर यहां पर आए हैं. ये साधारण स्टूडेंट्स हैं. और उनके पास छोटे-छोटे जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने दिए हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं. किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए. और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं आप हर रोज उनको सोच के कुछ शब्द प्रार्थना में बिताएं ताकि ये परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल होने पाए यहां से आगे चल के. और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का खास तौर से उन्होंने कि अवसर बनाया ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हमारे मध्य में आए. अलग अलग देशों से लोग आए और इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हमारी मदद किया है. और इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं, ऐसे हाथ जो आप शायद कभी सुनेंगे भी नहीं क्या ना कभी देखेंगे. मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं जो बिहाइंड द सीन्स जिन्होंने इसके पीछे काम किया है. मैं खास तौर से अपने ऑनलाइन दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं. आई रियली वांट टू थैंक ऑल द ऑनलाइन व्यूअर्स हु हैव बीन वाचिंग दिस एंड हु हैव बीन प्रेइंग फॉर अस. थैंक यू सो मच. मैं खास तौर से पास्टर पॉल मैथ्यू को धन्यवाद करता हूं. हालांकि वो यहां पे नहीं है और हमको इस कलीसिया के जो सारे विश्वासी हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं. एरिया लीडर्स हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं हम. खास तौर से साउंड सिस्टम टीम जो है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है और सब कुछ परफेक्ट किया है. प्लस सर जो ऑनलाइन के सब चीज देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं. और खास तौर से जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. इन सब के लिए हम लोग एक जोरदार ताली बजा दीजिए. फिनिशर के नेतृत्व में उन्होंने ये जो प्रोग्राम किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. और आने वाले दिनों में अगर आपकी दुआ रही और हमारे पास सामर्थ्य रहा तो और भी हम नए कार्यक्रम परमेश्वर की महिमा के लिए आपके सामने लेके आएंगे. और ठीक डेढ़ घंटा हो गया है तो हमारा विदाई का समय हो रहा है. मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर ताज से आप आगे आएंगे और प्रार्थना करके इस महफिल को विराम देंगे. आइए हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करें. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तू भला है और तेरी करुणा सदा सदा हर पीढ़ी के ऊपर बनी रहती है. आज के विशेष प्रोग्राम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. इस बाइबल कॉलेज के लिए, जवानों के लिए और जो प्रभु आपकी महिमा के लिए इस समय प्रोग्राम रखा उन हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं. ओ प्रभु जी, तू जो संगीत का करता है और प्रभु जी स्वर्ग में हमेशा तेरी महिमा स्वर्गदूत अपने मुंह को ठापे हुए हमेशा पवित्र 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 सेनाओं का आह्वान करके पुकारते रहते हैं. और आज हम भी आपकी महिमा आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं. हम तेरे नाम को महिमा देते हैं. ओ प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम को जो तूने मानव जाति के ऊपर दर्शाया और प्रभु यीशु के खून ओ जो शिफा के लिए हमारे गुनाहों के छुटकारे के लिए बहाया गया है. ओ हर एक जीवन के परिवर्तन के लिए प्रभु जो कार्य किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. जितने लोगों ने प्रभु यहाँ हिस्सा लिया, तेरा वचन सुना, गाने सुने, उनके हर एक के जीवन प्रभु जी एक नई आशीष लेकर यहाँ से जाने पाए. और कोई प्रभु अपने जीवन में समस्या लेके आया है, बंधन लेके आया है, यीशु के खून में हालेलुया, यीशु के नाम में छुटकारे की हम घोषणा करते हैं. छुटकारा पाने पाए, नया बल, नई सामर्थ्य पाने पाए,
इस कॉलेज के सारे कार्य पराशर से जितने जवान भाई बहनों ने प्रभु प्रोग्राम दिया आने वाले दिनों में प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस भारत वर्ष में अपने क्षेत्र में तो इस्तेमाल कर प्रभु ताकि तेरी महिमा प्रतिदिन हमारे देश के अंदर हमारे हर क्षेत्र में बढ़ती जाए प्रभु जी हर एक को तेरे खून में छिपाते हैं सारे फैकल्टी सारे प्रभु जी इसका आयोजक इसके पीछे जिन्होंने परिश्रम किया उन सब को बरकत और आशीष के साथ दिलाकर जितने दूर और नजदीक से जितने लोग आए हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और देखा प्रभु उन सब को आशीष दे ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग यहाँ से बाहर जाएंगे बाहर कुछ स्नैक्स होगा आप उसे खरीद सकते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक बार और बता दें और कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की जय। उस यीशु मसीह से हमें छुआ है उस यीशु मसीह की जय। जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।